उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं है। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में नहीं बिठाना चाहते। 2013 में बहुत कोशिश की, 2015 में बड़े बड़े मंत्री दिल्ली की गलियों में पर्चे लेके घूमे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री घूमे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने रैलियां की। दिल्ली में बड़ा बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। 2020 में फिर प्रधानमंत्री जी ने रैली की, गृह मंत्री ने रैली की, एक एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों में 15-15 लोगों की सभा करने में लगाई गई। और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल चुनाव में हुआ। पिछले कुछ दिनों में दो चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखी, लिखते ही मीडिया को दे दी कि जिसको लिखी है उससे पढ़ी ना पढ़ी और मीडिया को पहले दे दी जाए कि दिल्ली के लोग पढ़ लें। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था वो पैसा रोक दिया, कोई आदमी दिल्ली की सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, ये दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना थी, उसका पैसा भी रोक दिया गया ताकि दिल्ली में कोई सड़क हादसे में गिरे, इंजर्ड हो तो उसका इलाज भी ना हो पाए। ये अर्जी हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके बाद पैसे रिलीज हुए। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। तो एलजी साहब ने एमएचए को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इसलिए एलजी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये एलजी साहब ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा और सारे मीडिया को दिया, और उसके दो दिन बाद एक और चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है, एलजी साहब दो दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके दो दिन बाद उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर
मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं है। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। यह गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा। और कोर्ट में जाके हमने, सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी।